तो हमारे सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज एक नई कहानी के साथ मैं फिर से हाजिर हूं। और ये जो कहानी है ये बिलोंग करती है कर्नाटक से। कर्नाटक में एक जिला है मैसूर, वहां की ये कहानी है। होता क्या है कि जैसे बिहार से बहुत सारे लेबर जाते हैं कर्नाटक में, या फिर जो साउथ की जो सिटीज होती हैं उनमें काम करने के लिए, तो ऐसा ही होता है। यहाँ से भी एक जो मजदूर है वो जाता है वहां पर, वो जाता है और मैसूर में काम धाम शुरू करता है अपना। तो ये काम शुरू करता है, एक फैक्ट्री में वो काम करता है और उसको 10,000 रुपये का जो तनख्वाह है वो कंपनी देती है। ठीक है, उसका जिंदगी भी सही चल रहा था। और धीरे धीरे होता क्या है कि वो काम करता है, पैसा भेजता है घर, जो भी कुछ मिलता है उसमें से बचा के। धीरे धीरे उसका फ्रेंड सर्किल जो है बढ़ता है और उसको अपने फ्रेंड सर्किल के जरिए पता चलता है कि उसके शहर में एक कोई डांस का इवेंट ऑर्गेनाइज हो रहा है। तो उस डांस के इवेंट में ये सोचता है कि अच्छा चलते हैं देखते हैं। तो रात में ऑर्गेनाइज हुआ था, रात में 10 बजे के बाद। तो रात में जब ये ऑर्गेनाइज होता है तो ये लड़का वहां जाता है, और जाता है तो देखता है कि एक लड़की होती है जो काफी सुंदर सुंदर होती है, तो उसको वो पसंद आ जाती है। तो वही कहावत है कि एक नजर में प्यार होने वाली बात हो जाती है, वहां उसको उस लड़की से प्यार हो जाता है। पूरी रात वो देखता है उस प्रोग्राम को, और जब सुबह होता है तो जो ऑर्केस्ट्रा वाले होते हैं उनके जाने का समय आता है और वो अपना पैकिंग करके जाने लगते हैं। तो अब ये घबरा जाता है क्योंकि वो उससे दूर नहीं होना चाहता था। तो ये करता क्या है कि पैसे तो इसको ज्यादा मिलते नहीं थे, अब करे क्या। तो कुछ लोग और आए हुए थे उस शो को देखने के लिए। तो ये जो है वहां पर बाइक बहुत सारे लगे हुए थे, तो उसमें से एक बाइक को चुरा कर ये उस गाड़ी का पीछा करता है जिसमें वो लड़की बैठी रहती है, जो इवेंट खत्म होने के बाद वहां से ये लोग अपना पैकअप करके निकलते हैं। तो ये उस बाइक से उसका पीछा करता है, पीछा करता है, और उस लड़की के साथ साथ ये भी अपने मंजिल तक पहुंच जाता है। ये उस लड़की से बात करता है, उसका नंबर लेता है, और उसके बाद धीरे धीरे व्हाट्सएप के जरिए इन दोनों का बात शुरू होता है। ये दोनों बात करते हैं, धीरे धीरे बात जो है वो दोस्ती में बदलती है और दोस्ती प्यार में, जैसा आमतौर पर होता है। अब चूंकि इसको प्यार हो जाता है और वो लड़की क्लब में परफॉर्म कर रही है, तो उसका तो वो पैसा है, वो तो जाएगी अगले बार जब उसको जाना होगा दूसरी जगह, तो वो तो जाएगी ही वहां। लेकिन इसको ये अच्छा नहीं लगता है, इसको ये अच्छा नहीं लगता है, और ये उसको मना करता है कि तुम मत जाओ। लेकिन वो लड़की राजी नहीं होती है, वो जाती है, इसको गुस्सा आता है। धीरे धीरे सोचता है कि कैसे इसको मनाएं, क्या करें कि ये मान जाए और ये ना जाए। तो ये बोलता है कि अच्छा बोलो तुमको क्या चाहिए, मैं क्या करूंगा कि तुम नहीं जाओगी डांस करने। तो बोलती है कि मेरा रोजी रोटी का सवाल है, मैं कैसे नहीं जाऊंगी। बोलता है कि अच्छा कितना मिलता है तुमको 100 का। बोलती है 5,000। बोलता है ठीक है मैं तुमको 5,000 दूंगा, लेकिन तुमको उस शो में नहीं जाना है, तुमको परफॉर्म नहीं करना है। अब इसको चूंकि 10,000 रुपए मिल ही रहे हैं, तो ये 5,000 कहाँ से उसको ला के देते, और ये घर भी गुजारा करने के लिए कुछ पैसे भेजता था। तो अब ये सोचता है कि क्या करे। तो पहली बार इसने चोरी की थी, वो बाइक लेके भागा था, ये सोचता है कि अब चोरी करेंगे। ये वहां से चोरी करना शुरू करता है, लोगों का गाड़ी चुराता है, बेचता है, उसे जो भी पैसे मिलते हैं वो रखता है, और इसको 5,000 रुपए
जब भी इसका इवेंट बुक होता है तो इसको दे देता है और वो लड़की मान जाती है। तो ऐसे ही चलता रहता है, ये दोनों खुशहाल जिंदगी जीते हैं। लेकिन फिर होता क्या है कि जो इस लड़की जिस कंपनी में काम करती थी, जिस इवेंट शो में, उसका मालिक जो है वो बोलता है कि नहीं, तुमको ये करना ही पड़ेगा, तुमको करना पड़ेगा, क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारा था 1 साल का और तुम उसको तोड़ नहीं सकती हो, है ना, उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोहर है, सब कुछ है, आप उसको नहीं तोड़ सकते हैं, लॉ से आप कभी भी नहीं जीत सकते हैं, चूंकि इसकी मजबूरी हो जाती है। अब ये क्या करे, ये परेशान हो जाती है, लड़का भी परेशान हो जाता है। तो ये जो लड़की है ना, ये बोलती है कि ठीक है मैं परफॉर्म करूंगी, एक काम करो, तुम्हें शक है ना, तुम वीडियो कॉल पर रहना, जितने देर तक मैं परफॉर्म करूंगी, जितने देर तक मैं बाहर रहूंगी। लड़का उस बात पर राजी हो जाता है और राजी होने के बाद जो है लड़की परफॉर्म करने जाती है और ये पूरी पूरी रात वीडियो कॉल पर उस लड़की के साथ रहता है, पूरी रात उसको देखता रहता है, क्योंकि उसको जो है वो ऐसा लगता है कि कहीं इसके साथ कुछ बुरा ना हो, जैसे आमतौर पर होता है हमारे बिहार में तो गोली तक चल जाता है, तो उसका भी डर था इसको, ये चाहता है कि कुछ बुरा उसके साथ ना हो जाए, क्योंकि शादी का ख्वाब देख रहा था वो उस लड़की के साथ। ऐसे ही वो धीरे धीरे समय बीतता जाता है और वो लड़की परफॉर्म करना उसकी मजबूरी हो जाती है, वो परफॉर्म करती भी है। एक बार का बात होता है कि उस लड़की को जाना होता है कहीं परफॉर्म करने, और ये बोलता है कि मुझे भी ले चलो, आज मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। तो बोलती है कि देखो तुम जाओगे तो झगड़ा हो जाएगा, क्योंकि डांस करना मेरा काम है और लोग आमतौर पर कमेंट करते हैं इन चीजों में, तो वो बोलती है कि अगर कोई कमेंट करेगा तो तुम सह नहीं पाओगे, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करते हो और मैं नहीं चाहती हूं कि तुम जाके वहां झगड़ा करो। लड़का बोलता है कि ठीक है तुम लेके चलो, जहां तुम परफॉर्म करोगी उसका जो दायरा होगा, जो उसका गेट होगा, उस गेट के बाहर ही रहूंगा मैं, बस वीडियो कॉल पर रहूंगा और सुबह में जब तुम आओगी तब तुम्हारे साथ ही मैं वापस आ जाऊंगा। वो जिद करने लगता है तो लड़की मान जाती है, बोलती है ठीक है चलो। वो लेके जाती है उसको, वो लेके जाती है लेकिन अपने साथ लेके नहीं जाती है, लड़की पहले ही निकल जाती है अपने पूरे ग्रुप के साथ, क्योंकि अगर कोई भी ऐसा इवेंट या शो होता है तो आप अकेले नहीं जा सकते हैं, कहीं ग्रुप में जाना होता है, वो ग्रुप में जाती है और ये लड़का उसको फोन करता रहता है जाने के लिए कि कब जाओगी, कब निकलना है, ये उसको फोन करता रहता है और वो फोन नहीं रिसीव करती है, फोन नहीं रिसीव करती है। लड़का परेशान 100 बार, 200 बार, 500 बार तक ये कॉल करता है उस लड़की को उस रात, और ऐसे कॉल करते करते जब ये थक जाता है तो ये वहीं इसका जो ऑफिस था, ये जो लड़की का जो इवेंट ऑर्गेनाइज कराते थे उसके बाहर ही, ये कड़कड़ाती ठंड का मौसम था, वहां वो बैठ के और रात गुजारता है, रात गुजारता है वहां बैठ के, और इसको लगातार फोन भी करता रहता है। करीब 2 बजे रात में उस लड़की का रिस्पॉन्स आता है कि मैं तुमको लोकेशन भेज रही हूं, तुम आ जाओ। ये लड़का थोड़ा सा खुश होता है, चलो। वो लोकेशन भेजी और ये लड़का जाता है, पर जैसा तय था कि इसे उस गेट के अंदर नहीं आना था, ये गेट के अंदर नहीं जाता है, गेट के बाहर ही वेट करता है। वो एक बर्थडे पार्टी था जहां बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा था। जब प्रोग्राम खत्म होता है तो लड़की बाहर आती है, और बाहर आती है तो चूंकि ये बहुत ज्यादा उससे प्यार करता था और ये तय था कि साथ जाएंगे हम, इसके बाद इसको गुस्सा आ जाता है और जब लड़की बाहर आती है तो ये उसको पीटने लगता है, लगातार मारने लगता है, और बात इस कदर तक बढ़ती है कि वो शायद बेहोशी की हालत में चला गया था गुस्से के चलते,
और उसको इतना मारता है कि लड़की की मौत हो जाती है, लड़की मर जाती है। लड़की मर जाती है तो अब ये भी डर जाता है, भागता है बदहवासी की हालत में वहां से। ये अपने रूम आता है जहां आमतौर पर जो लेबर यहाँ से जाते हैं वो चार पांच लोग एक साथ एक कमरे में रहते हैं। ये रूम आता है और ऐसे बैठता है, बैठता है तो इसका जो रूम पार्टनर होता है वो बोलता है कि सुनो तुम खाना खाओगे ना, पूछता है, चूंकि ये लोग सब साथ खाना बनाते थे। तो ये बैठे बैठे अचानक इसका जो ये सर है, जो इसका चेहरा है, वो 360 डिग्री ऐसे घूम जाता है, 180 डिग्री, सॉरी 360 नहीं, 180 डिग्री ऐसे, मतलब उसका जो मुंह है वो पीठ की तरफ ऐसे घूम के चला जाता है और ये बोलता है हाँ खाऊंगा। अब हुआ क्या था कि दोनों में इस कदर मोहब्बत है कि वो लड़की का जो आत्मा था इसके अंदर आ गया था। अब ये बोलता है यहाँ खाऊंगा, सारे लोग डर जाते हैं रूम में, सब इधर उधर भागते हैं और ये अकेले उस दिन रूम में रहता है। अगले दिन चूंकि ये भी डिप्रेस था, ये भी डरा हुआ था, ये सोचता है कि अब क्या करें। अगले दिन ही ये ट्रेन पकड़ता है और ये वापस आ जाता है बिहार, अपने घर। बिहार जब ये अपने घर आता है तो किसी को कुछ बताता नहीं है और ये अपने परिवार के साथ ऐसे सोता है, मम्मी पापा सब लोग ऐसे खाना खाने के बाद जो सोते हैं तो ये भी सोता है। आमतौर पर गरीब लोग एक ही रूम में गुजारा करते हैं अपना, सब लोग सोते हैं, ये भी सोता है। और सोता है तो पहली रात को तो कुछ नहीं, ऐसे कुछ कुछ बड़बड़ाता है, लोगों को समझ में नहीं आता है कि क्या बोल रहा है। दूसरा रात जब आता है तो ये कर्नाटका का जो लोकल लैंग्वेज है, मतलब वहां का जो भाषा है वो कन्नड़ा है, कन्नड़ा जैसे यहाँ का भोजपुरी है वैसे वहां कन्नड़ा है। तो चूंकि ये लड़की के साथ बहुत सालों तक रह रहा था, बहुत सालों से रह रहा था, तो ये वहां का जो लैंग्वेज है उसके साथ रहते रहते थोड़ा बहुत सीख गया था, लेकिन इतना भी उसको नहीं आता था कि पूरा फ्लुएंटली बोले, लगातार 10 मिनट तक कोई बोले इतना भी इसको नहीं आता था। अब अगली रात जब ये सोया तो लोग देखते हैं कि ये कनाडा में लगातार बोले जा रहा है, सोया है लेकिन वो बड़बड़ा रहा है पूरा कनाडा भाषा में, और ये पूरी रात ऐसे लगातार बोलता है। तब इसके घर वालों को शक होता है कि हुआ क्या है, कुछ तो हुआ है। और इसके बाद ही लोग इसको दिखा ले जाते हैं कहीं दिखाने के लिए, जैसे आमतौर पर यहाँ होता है ओझा से या कुछ पंडित लोगों से ले जाते हैं जब दिखाने, तो वहां खुलासा होता है कि इसके ऊपर उस लड़की का साया है और इसके ऊपर वो आत्मा है जो इसे सब कुछ करवा रही है। और उसके बाद से इसका इलाज होता है और धीरे धीरे ये ठीक भी हो जाता है। आगे इसके बाद इस पर मर्डर केस का जो मुकदमा था वो चलता है, और चूंकि ये अपराधी था तो इसको जेल भी जाना पड़ता है और उम्र कैद का सजा इसको सुनाया जाता है, ये अभी भी जेल में है। ये थी हमारी आज की कहानी, धन्यवाद।